इस मूवी में एक लड़का अपने टीचर के कुएं से पानी निकालकर अपने घोड़े की प्यास बुझाता है। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मेडी नाम की पियानो टीचर को देखते हैं, जो एक नए शहर के कॉन्वेंट स्कूल में आई है, क्योंकि उस स्कूल के पियानो टीचर का ऊपर का टिकट कट चुका है। वहीं स्टेशन पर हम चार्ली को देखते हैं, जो भागता हुआ अपने टीचर के फ्यूनरल में जा रहा था। तभी उसकी टक्कर मेडी से हो जाती है। मेडी को देखने के बाद चार्ली के अंदर की वासना जाग उठी थी। फिर वो अपने औजार को ठीक करता है और फ्यूनरल में आता है, जहाँ उसे उसके दोस्त जॉन और जैकी मिले, जो कि दोनों भाई बहन थे। फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए मिस मेडी भी आई थी और सभी लोगों की नज़र उसके फिगर पर अटक जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम मेडी को क्लास में पियानो बजाते हुए देखते हैं। क्लास में जॉन अपने पैंट के अंदर एक बैलून डालकर उसे फुला रहा था, ताकि वो अपनी क्रश को ये दिखा सके कि उसका औजार कितना बड़ा है। लेकिन तभी वो बैलून फट जाता है, जिसकी आवाज़ को सुनकर पूरा क्लास हंसने लगता है। इसके बाद मिस मेडी कहती है, म्यूजिक को तुम्हें फील करके सीखना होगा, ना कि मजाक बनाकर। क्लास खत्म होने के बाद चार्ली जॉन, जैकी और मोना के साथ मिस मेडी के बारे में बात करते हुए घर जा रहा होता है। तभी जैकी और जॉन एक दूसरे को चूम लेते हैं। ये देखकर मोना शॉक थी, क्योंकि ये दोनों भाई बहन थे, लेकिन फ्रांस में इतना तो चलता ही है। घर आने के बाद चार्ली पियानो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पियानो बजाने में उसका मन नहीं था और उसकी मॉम उसे सेब खिलाकर परेशान कर रही थी। चार्ली के पिता पैट्रिक उसे अकेला छोड़ने को बोलते हैं, क्योंकि उन्हें पता था जिस उम्र से चार्ली गुजर रहा है, उसमें हम लोगों का ध्यान गुफा में डुबकी लगाने पर रहता है। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली को जैकी और जॉन ने कॉल करके शाम को मिलने के लिए बुलाया है, जहां उन्होंने कुछ और दोस्तों के साथ पहली बार शू का नशा ट्राई किया। अगली सुबह स्कूल में जाने के लिए चार्ली अच्छे से तैयार हो रहा था, तभी उसे उसके डैड पैट्रिक समझाते हैं, लड़कियों के सामने हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, जैसे उसे सब कुछ आता है। अपने पिता से ज्ञान लेने के चक्कर में चार्ली लेट हो जाता है और भागते हुए उसकी टक्कर मिस मेडी से हो गई थी, तो एक बार फिर चार्ली मेडी को देखकर पिघल गया था। लेकिन तभी उसे जैकी की आवाज़ दूर से ही सुनाई देती है, तो वो भागकर उसके पास गया, क्योंकि उसने चार्ली को मेडी के साथ देख लिया था और वो जानती थी मेडी चार्ली की क्रश है। लेकिन हाथ पैर जोड़ के चार्ली ने जैकी को मना लिया और उसके साथ पियानो क्लास में आया, जहां चार्ली अपना पेन नीचे गिराकर मेडी की कपड़ों में झांकने की कोशिश करता है, ताकि किसी तरह मेडी की गुफा का रास्ता दिख जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। जॉन चार्ली को ये सब करते हुए नोटिस कर लेता है। दूसरी तरफ जैकी और मोना अपने संतुर को बड़ा करने की तरकीब ढूंढ रही थी। वहीं जॉन को चार्ली ने बता दिया था कि वो मेडी से ऑब्सेस्ड हो चुका है, तो अगले दिन क्लास के बाद जॉन मेडी के पीछे लग चुका था, जहां पर वो मेडी को बस में एक आदमी को सेड्यूस करते हुए देख लेता है। मेडी अपने संतरे दबाते हुए उस आदमी को देख रही थी और वो आदमी भी समझ गया था मेडी उसके घोड़े की सवारी करना चाहती है। लेकिन फिर भी वो मेडी के पीछे उसके घर नहीं जाता, लेकिन जॉन मेडी का पीछा करते हुए उसके घर आ गया था। मेडी अपने बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहती थी, इसलिए उसके कमरे के विंडो भी हमेशा खुले रहते थे। फिर जॉन उसके सामने वाली बिल्डिंग में जाता है, जहां के टॉयलेट से मेडी का रूम एकदम क्लियर दिखाई दे रहा था। वहीं से जॉन ने मेडी को अपने बदन के साथ खेलते हुए देखा, तो उसे एक खतरनाक आइडिया मिला, जिसके बारे में हमें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। चार्ली की मॉम ने उसे विटामिन का इंजेक्शन देते हुए बताया कि उन्होंने उसकी पियानो टीचर को अपॉइंट कर लिया है, और अपने पहले ही क्लास में चार्ली मेडी के स्कर्ट में झांकने लगा था और इस बात का एहसास मेडी को भी हो गया था, लेकिन वो क्या ही कर सकती थी। दूसरी तरफ जॉन ने लेटेस्ट कैमरा भी खरीद लिया था, तो आप समझ ही गए होंगे कि जॉन मेडी की अश्लील फोटोज लेने वाला है, और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। रात में मेडी जब अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए कुएं से पानी निकाल रही होती है, तब जॉन ने उसकी बहुत सारी फोटोज ले ली। उधर चार्ली ने साइकिलिंग करते हुए जैकी को बता दिया था कि उसे मिस मेडी पियानो क्लासेस देने के लिए घर पर आ रही है। ये सुनकर जैकी साइकिल से नीचे गिर गई, जिसमें उसे चोट लग गई। इसके बाद हम देखते हैं जॉन मिस मेडी को उनके घर जाकर उनकी अश्लील फोटो दिखाकर धमकी देता है कि उन्हें कल बिना ब्रा के एक ट्रांसपेरेंट स्लीवलेस पहनकर क्लास में आना होगा, और मजबूरन मेडी को जॉन की ये बात माननी पड़ेगी। इसके अगले दिन क्लास से पहले जॉनी ने चार्ली को बता दिया मेडी अच्छी औरत नहीं है, वो अपने बॉडी पार्ट्स को दिखाकर सबका अटेंशन पाना चाहती है। फिर मेडी ट्रांसपेरेंट स्लीवलेस पहन के क्लास में आई, जिसके बाद सभी लड़कों का ध्यान बस उनके संतरों पर था। ऐसे में क्लास के बाद घर आते ही चार्ली ने अपने हाथ गाड़ी चला दी थी, तो उसके डैड को शक हो गया कि अब उसे कुएं में डुबकी मार लेनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जॉनी मेडी से मिलता है और उन्हें चार्ली को सेड्यूस करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो मेडी की हेल्प करेगा। जॉनी ने जानबूझकर मेडी के स्कर्ट पर पानी गिरा दिया और चार्ली से मेडी के संतरों को साफ करवाया। संतरों को साफ करते हुए चार्ली पानी पानी हो गया। चार्ली की टच से मेडी की गुफा से भी पानी आने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं चार्ली जैकी के साथ बोटिंग करने के लिए एक तालाब में गया, जहां वो जैकी के कहने पर उसके संतरों का जूस पी रहा होता है। तभी वहां पर कुछ लोग बोट से आ जाते हैं, तो इन दोनों को वहां से निकलना पड़ता है। उसी रोज क्लास में जॉनी के कहने पर मिस मेडी ने चार्ली के आगे अपनी टांगे खोल दी, जिससे चार्ली को उनकी सुरंग तक का रास्ता साफ दिखाई दे रहा होता है। ये देखकर चार्ली की आत्मा
ट्रिप्ट हो गई थी और अब अगली सुबह चार्ली ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, जहां उसके फादर उसे लड़कियों पर थोड़ा टाइम स्पेंड करने की सलाह देते हैं, उसे दिलासा देते हैं कि वो जल्दी ही अपना खाता खोल लेगा। वहीं पियानो क्लास के टाइम जॉनी ने मेडी का जैकेट चार्ली के सामने उतरवा दिया और फिर वो मिस मेडी को उनका टॉप भी उतारने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन तभी चार्ली ने जॉनी को रोक लिया। जॉनी मेडी को उनके अंडर आर्म्स हेयर साफ करने के लिए मना लेता है। इसके बाद चार्ली ने जॉनी के साथ मिलकर हेयर साफ किए। ऐसा करके जॉनी तो काफी खुश था, लेकिन चार्ली समझ चुका था मिस मेडी ये सब अपनी मर्जी से नहीं कर रही। तो घर आते वक्त जॉनी और चार्ली में लड़ाई हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन पैट्रिक के कहने पर चार्ली अंकल के यहाँ चला जाता है, जहाँ उसके अंकल ने उसका अच्छे से वेलकम करके उसे अपनी मेड तानिया से मिलवाया, जो बहुत ही सेक्सी थी। वैसे तो अंकल और तानिया का चक्कर चल रहा होता है, लेकिन उस रात तानिया अंकल के घोड़े पर नहीं चढ़ती क्योंकि उसके निशाने पर चार्ली आ गया था। तो वो चार्ली के सामने अपने सारे कपड़े उतार कर देती है, फिर चार्ली का हथियार उसके पैंट से बाहर आने लगता है। तो वहीं चार्ली के सामने घुटनों पर बैठकर तानिया ने उसका हथियार चूस लिया। इसी इंसिडेंट के बाद चार्ली काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। घर आते ही वो सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड जैकी के घर पर उसके साथ इंटीमेट होने गया। जैकी को चूमते हुए वो उसके संतूर तक पहुंचा ही था कि तभी उन्हें डिस्टर्ब करने के लिए कोई आ जाता है, तो मजबूरन चार्ली को वहीं बेड के नीचे छुपना पड़ा, जहां उसे बेड के नीचे रखी हुई मिस मेडी की असली फोटोज मिल जाती हैं, जिन्हें देखकर वो सीधा मिस मेडी के पास गया और अपनी सारी फोटोज और क्लिप हाथ लगते ही उन्होंने जॉनी के ऊपर थप्पड़ बरसा दिए। इसके बाद जब जॉनी बेड पर गिर गया तो मिस मेडी उसके कपड़े उतारने लगी थी ताकि वो उसके घोड़े की सवारी करके अपना पीछा छुड़ा सके, क्योंकि उन्हें लग रहा था जॉनी उससे यही चाहता है। लेकिन जॉनी का घोड़ा खड़ा ही नहीं होता और अपनी असलियत सामने आने के बाद वो वहां से भाग जाता है, लेकिन चार्ली अब भी मिस मेडी के साथ होता है। फिर मिस मेडी चार्ली के औजार को अपनी गुफा में डालने का मौका देती है। चार्ली तुरंत ही अपना औजार लेकर मिस मेडी के ऊपर कूद जाता है। अब उसने मिस मेडी को पूरी रात बजाया। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मेडी वापस अपने शहर जा रही थी। दूसरी तरफ चार्ली ने जैकी के साथ अपनी लव स्टोरी को आगे बढ़ा दिया था। अब चार्ली को जब भी मौका मिलता है जैकी की गुफा में अपना घोड़ा दौड़ाता। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।